महाराष्ट्र के अनेक विभाग में ही नहीं तो मध्य प्रदेश और देश के कई जगह गुरुवार शाम नागरिकों को रहस्यमय रोशनी ट्यूबलाइट जैसी चमकीली चीज आसमान में दिखी, जिसके बाद लोग हैरान हो गए कि ये आखिर है क्या। तो वहीं कईयों ने इस दुर्लभ नजारे का पूरा आनंद लिया, लेकिन आखिर ये चीज थी क्या, आइए जानते हैं। शाम 7:20 के आसपास दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए आकाश में बिंदुओं की एक चमकदार रेखा देखी गई। इससे पूर्व भी आकाश में उपग्रह का टुकड़ा और धूमकेतु के रूप में देखे जाने को लेकर नागरिकों में संभ्रम हो गया था, लेकिन यह लाइट लाइन कोई और नहीं बल्कि एलोन मस्क की स्काईलिंक ट्रेन है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक सैटेलाइट है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे दूरबीन व टेलीस्कोप से देखा गया, गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी इसे देखा जा सकता है। सूर्यास्तानंतर 7:20 दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जवळजवळ जाणारी एक वस्तू लोकांनी पाहिली आणि लोकांमध्ये थोडं भीतीचं वातावरण झालं आहे, कारण लोकांना असं वाटलं की तो धूमकेतू किंवा उल्का किंवा आकाशातून पडणाऱ्या जे सॅटेलाइटचे तुकडे असावेत असं वाटलं। खूप मला फोन आल्यानंतर मला पण ते पाहता आलं। तर खरं तर ही स्पेस एक्स हे सॅटेलाइट ट्रेन असं त्याला म्हणतात, तर हे स्टारलिंग सॅटेलाइट्स आहेत आणि जगातून अनेक ठिकाणी हे दिसतात। 2019 खरं त्याची सुरुवात झाली आणि जगामध्ये इंटरनेट प्रोव्हायडर म्हणून हे सॅटेलाइट्स कामाला येतात आणि जवळजवळ 55 सॅटेलाइट्स ती मालिका होती, एका मागून एक ते सॅटेलाइट जातात असं अनेक लोकांनी पाहिलं आहे। मला आत्ता 2-3 दिवसापूर्वी पण काही लॉन्च त्याचं झालेलं आहे या सॅटेलाइट्सचं। तर अशा प्रकारचे सॅटेलाइट्सची ही जी मालिका आहे त्याला स्काय ट्रेन असं पण म्हणतात। तर हे आपल्याला नेहमीच अधूनमधून दिसणार आहे, त्यामुळे काही घाबरण्याची कोणाला गरज नाही आहे आणि अतिशय चांगली ही खरं तर आकाशातली ही वस्तू आपण। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक स्पेस स्टारलिंग सैटेलाइट था जो भारत का न होकर अमेरिका के कारोबारी एलोन मस्क का है, जिसे इंटरनेट की बेहतरीन सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में इस तरह की स्काई ट्रेन आसमान में देखा गया था। नागपुर में बैद्यनाथ क्षेत्र परिसर में रात 8:11 पर इसे आसमान में देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में यह काफी साफ नजर आया। शोधकर्ताओं ने बताया कि मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 55 ऐसे उपग्रहों की एक ट्रेन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है और इसे आकाश में देखा गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि स्काई ट्रेन को भविष्य में कई बार आसमान में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र TV24 के लिए आचल लोखंडे, नागपुर। रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है, और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में RG रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आम रस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगी नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।